स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट टू आफ्टर ए बात सीखेंगे. ओके, उनके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन सीख लिया है, पोएम के एक्सप्लेनेशन देख लिए, हार्ड वर्ड सीख लिए हैं. आज हम एक्सरसाइज सीखेंगे, एक्सरसाइज वर्कबुक में करेंगे. फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स. यहाँ पे जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं उनके फोर ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से जो राइट ऑप्शन है वो हमें बॉक्स में लिखना है. ओके, व्हाट डज द बॉय ट्राई टू डू. बॉय ट्राई मतलब कोशिश करना, द बॉय मतलब लड़का. ओके, बॉय मतलब लड़का, टू डू मतलब करना, कि क्या करने की कोशिश कर रहा था क्या करने की कोशिश कर रहा है लड़का. तो वाइप हिमसेल्फ ड्राई, खुद को ड्राई करने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पे आंसर आएगा डी. सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दी बॉय वाइप्स हिमसेल्फ टिल ही इज ब्लैंक. कि बॉय वाइप्स कर रहा है हिमसेल्फ मतलब खुद को, टिल मतलब जहाँ तक का, मतलब कि बॉय जहाँ तक हिमसेल्फ को वाइप कर रहा है. ही इज ब्लैंक, यहाँ पे आंसर आएगा ड्राई, कि जहाँ तक वो ड्राई ना हो जाए वो खुद को वाइप्स करता रहता है. तो यहाँ पे आंसर आएगा ए. ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आई हैव ब्लैंक हैंड्स, एच ए एन डी एस, हैंड्स मतलब हाथ, हैंड्स मतलब हाथ. तो हमारे पास कितने हाथ हैं, तो टू हैंड्स हैं, कितने, टू हैंड्स. ओके, तो यहाँ पे आएगा टी डब्ल्यू टू, तो यहाँ पे बॉक्स में आएगा सी. आई हैव ब्लैंक फिंगर्स एंड टॉस. ओके, उन्होंने बोला है कि हमारे पास कितने फिंगर्स एंड टॉस है, तो हमारे पास 10 फिंगर्स एंड टॉस है. ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी. फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, दी बॉय वाइप्स हीज टू ब्लैंक. कि बॉय क्या उसके क्या टू क्या वाइप्स कर रहा है, तो टू वेट लेग्स, वेट मतलब गीले, लेग्स मतलब पैर. ओके, तो यहाँ पे आएगा वेट लेग्स, ए आंसर आएगा. सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, द बॉय वाइप्स हीज वन ब्लैंक. कि वो क्या वाइप कर रहा है उसका एक, तो वन साइनी नोज. ओके, एस एच आई एन वाई एन ओ एस सी, साइनी नोज मतलब कि नाक. तो यहाँ पे डी आंसर आएगा. हाउ डज ए डॉग ड्राई इट सेल्फ. जो डॉग होता है डॉगी, वो खुद को कैसे सोखता है, तो उसमें आएगा सेक सेक सेक, मतलब कि खुद को हिला के, उसके पूरे शरीर को हिला के शेक करके वो खुद को ड्राई करता है. तो यहाँ पे बी आएगा. हाउ डज द बॉय विश टू ड्राई हिमसेल्फ. बस जो लड़का था उसकी क्या इच्छा हुई कि खुद को कैसे वो ड्राई करे, तो लाइक ए डॉग, डॉग के जैसे. ओके, तो यहाँ पे सी आंसर आएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द ऑड वर्ड इन ईच सेट. यहाँ पे जो चार फोर वर्ड्स के जो सेट दिए हैं उनमें से जो अलग वर्ड है, जो ऑड वर्ड है, उस पे हमें सर्कल बनाना है. जैसे कि टी ए जी टैग, एल ए जी लेग, डब्ल्यू ए जी वेग. तो इन तीनों में बीच में ए आ रहा है, वोवेल ए, लेकिन डब्ल्यू आई जी विग, तो यहाँ पे वोवेल बीच में आई आ रहा है, मतलब कि ये जो तीन वर्ड के सेट है उसमें ये सेट हो रहा नहीं है, वो अलग है, तो उस पर हमें सर्कल बनाना है. ऐसे ही मैन, टैन, हैंड, पैन, पान है पी एन, तो इन सब में बीच में ई वोवेल आ रहा है लेकिन यहाँ पे ए आ रहा है, तो इस पर भी सर्कल बनेगा. बट विट हीट सीट, तो यहाँ पे बट अलग है तो उस पर सर्कल बनेगा. फॉग लॉग डग कॉग, तो यहाँ पे डग अलग है. ओके, डी यू जी डग, तो यहाँ पे सर्कल बनेगा. कट हर्ट हॉट नट, तो यहाँ पे बीच में सब वोवेल्स, वोवेल यू आ रहा है लेकिन यहाँ पे ओ वोवेल आ रहा है, मतलब कि ये ऑड है, इन तीनों में ये ऑड है, तो यहाँ पे सर्कल बनाना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स. यहाँ पे भी जो राइट आंसर है, वो जो राइट ऑप्शन है, वो हमें यहाँ पे बॉक्स में लिखना है. ठीक है, व्हाट डू यू यूज़ फॉर योर बाथ. ओके, कि आप बाथ के लिए क्या यूज़ करते हो, तो सोप, सोप हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सी आएगा. सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू यूज़. यूज़ मतलब इस्तेमाल करना, यू एस ई, यूज़ मतलब इस्तेमाल करना, यू मतलब आप, टू ड्राई योर सेल्फ, खुद को ड्राई करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो टॉवल, टी ओ डब्ल्यू एल, टॉवल. ओके, तो यहाँ पे बी आंसर आएगा.
What do you use to clean your teeth? Clean मतलब साफ करना, CLEAN, clean मतलब साफ करना, teeth मतलब दांत, TEETH, teeth मतलब दांत। हम दांत को क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे टूथब्रश आएगा, ओके। तो हमारा आंसर होगा ए। What do you use for your hair? हम हेयर को कॉम्ब करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो कॉम्ब यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे डी आंसर आएगा। What do you do with the towel? हम टॉवेल का यूज़ करके टॉवेल का क्या करते हैं, तो ऑफकोर्स हम टॉवेल का यूज़ करके टॉवेल को हैंग इट टू ड्राई, जो ड्राई उसे सोखने के लिए लटकाते हैं, ओके। सही से लटका देते हैं, तो हैंग इट टू ड्राई, जब तक वो सोख ना जाए। तो हमारा आंसर आएगा ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक मार्क दी करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हैं, उनमें से हमें सही जो वर्ड है उस पर टिक मार्क करना है, ओके। तो ये सॉल्ट है, ओके। तो सर्ट की स्पेलिंग ये है, SHIRT, सर्ट। तो यहाँ पे टिक मार्क आएगा। ये बेल्ट है, तो बेल्ट की स्पेलिंग ये है, BELT, बेल्ट। तो यहाँ पे टिक मार्क आएगा। ये क्या है, शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स। तो शॉर्ट्स की स्पेलिंग ये रही, SHORTS, शॉर्ट्स। तो यहाँ पे टिक मार्क आएगा, ओके। जो राइट स्पेलिंग है उस पर हमें टिक मार्क करना है। फोर्थ नंबर में कैप है, ओके। फोर्थ नंबर में कैप, तो ये कैप की स्पेलिंग है, CAP, कैप। तो यहाँ पे टिक मार्क आएगा। फिफ्थ नंबर में सॉक्स है, तो सॉक्स की स्पेलिंग ये रही, SOCKS। तो यहाँ पे टिक मार्क आएगा। ये शूज़ है, तो शूज़ की स्पेलिंग ये रही, SHOES। तो यहाँ पे टिक मार्क आएगा। ये फ्रॉक है, शर्ट नहीं है, फ्रॉक है, ओके। तो यहाँ पे FROCK, फ्रॉक पे टिक मार्क आएगा। लुक लिसन एंड रिपीट, यहाँ पे हमको पैर दिए, वो हमें देखनी है, सुननी है, और रिपीट मतलब कि बोलनी है। बैट एंड बॉल, कप एंड सोसर, बाउल एंड स्पून, टेबल एंड चेयर, शूज एंड सॉक्स, शर्ट एंड शॉर्ट्स, नीडल एंड थ्रेड, लॉक एंड की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी पेयर्स। यहाँ पे पेयर्स के नेम्स दिए हैं, यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, हमें मैच करना है, ओके। फर्स्ट है कप एंड सोसर, तो चलो कप ये रहा, सोसर ये रही, तो यहाँ पे ज्वाइन करना है। कप को फर्स्ट में ज्वाइन करना है, सोसर को भी यहाँ पे ज्वाइन करना है। सेकंड है नीडल एंड थ्रेड, नीडल एंड थ्रेड। नीडल मतलब सुई, NEEDLE, नीडल मतलब सुई, तो सुई ये रही, तो सुई को यहाँ पे ज्वाइन करनी है। थ्रेड मतलब धागा, तो ये रहा धागा, तो इसको भी यहाँ पे ज्वाइन करना है। थर्ड नंबर की पैर है शूज एंड सॉक्स, तो शूज़ ये रहे, सॉक्स ये रहे, तो यहाँ पे ज्वाइन करना है। टेबल एंड चेयर, टेबल ये रहा, चेयर ये रही, तो इसे यहाँ पे ज्वाइन करना है। हमें दो अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं, हमें पैर में ज्वाइन करनी है, ठीक है। बैट एंड बॉल, तो बैट ये रहा, इसे यहाँ पे ज्वाइन करना है। बॉल ये रही, तो इसे यहाँ पे ज्वाइन करना है, ओके। ये रहा बैट और ये रही बॉल। लॉक एंड की, ये रहा लॉक एंड ये रही की, ओके। ऐसे पैर बनानी है हमें, पैर पे ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको अपनी और अपने फ्रेंड की जो पिक्चर है, ओके, वो पेस्ट करनी है। ये आपको होमवर्क में करना है। टिक मार्क द करेक्ट वर्ड्स नंबर्स, रीड द सेंटेंसेस अलाउड। यहाँ पे जो राइट वर्ड है उस पर टिक मार्क करना है। I am 6/7 years old। आप 6 साल के हैं कि 7 साल के हैं, तो 6, ओके। आप फर्स्ट में हो तो 6। I am in class 1/2। 1 में हो क्लास के, 2 में हो तो ऑफकोर्स 1 में। I am tall/short। तो यहाँ पे आपको ये खुद करना है कि आप टॉल हो कि शॉर्ट हो। टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। My friend is tall/short। यहाँ पे भी आपको खुद करना है कि आप टॉल, आपका जो फ्रेंड है वो टॉल है कि शॉर्ट है। I am fat/thin। फैट मतलब मोटा और थिन मतलब पतला। ये भी आपको खुद से करना है कि आप फैट हो कि थिन हो। My friend is fat/thin। ये भी आपको करना है कि आपका जो फ्रेंड है वो फैट है मतलब कि मोटा है, थिन मतलब कि पतला है, ओके। तो आपको ये जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से हैंडराइटिंग में अपने वर्कबुक में करनी है।